हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दोस्त, मेरे चैनल टेक एंड पिसो का स्वागत है। तो आज की वीडियो में अगेन हम बात करने वाले हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग टेक अपडेट्स के बारे में। हालांकि टेक अपडेट्स में बताना शुरू करो उससे पहले जरूरी बात कि अगर आपने इस पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबाइए और ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप वीडियो को एंजॉय कर पाओ। साथ ही अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी हमारे फैमिली का हिस्सा बन पाए। चलिए अब देखते हैं आज क्या टेक अपडेट्स निकल के आई। तो अब हम जो पहले अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है रियलमी की तरफ से है, और वो है रियलमी फ्लैश के बारे में। तो एक फोटो सामने निकल के आई है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जिसमें रियलमी फ्लैश लिखा हुआ है और गेस करने को कहा गया था यस्टरडे ये अपडेट निकल के आई थी, बट मैं कवर करना रह गया था। ये जो फ्लैश के बारे में जो अपडेट निकल के आई है वो ये है एक्चुअली में कि 3 अगस्त को जो है कुछ जो वो मैग डाटा आया था उससे रिलेटेड जो है मैग्नेटिक वो जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो कुछ अनाउंस करने वाली है। अब उससे रिलेटेड और एक चीज़ सामने आई है कि एक्चुअली में ये जो फ्लैश है वो एक स्मार्टफोन होने वाला है, जिसकी फोटोज़ जो है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। कहा जा रहा है कि हालांकि ये एक्चुअल स्मार्टफोन है कि पता नहीं है, बट हम और ये अपडेट हमें मिल पाई है अगेन वाया GSM अरेना की तरफ से, और इसमें आप देख पा रहे होगे कि इसके अंदर जो है हमें रियलमी फ्लैश के नाम से कहा जा रहा है कि एक स्मार्टफोन हमें देखने को मिलने वाला है। ये वर्ल्ड का पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन होने वाला है जो मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग के साथ आने वाला है, जिसके अंदर पंच होल कैमरा देखने को मिलने वाला है, कर्व्ड स्क्रीन देखने को मिलने वाला है, स्नैपड्रैगन 888 के ऊपर ये रन करेगा, 12 GB प्लस 256 GB की स्टोरेज हमें इसमें देखने को मिल सकती है, और एंड्रॉयड 11 के ऊपर ये रन करता हुआ हमें देखने को मिलने वाला है। अब 3 अगस्त को जो है देखते हैं कि इस जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है उसे अनाउंस करती है या फिर इस फ़ोन के बारे में भी कुछ हमें फ्यूचर प्लान्स बताती है। अब देखते हैं कि कौन से सीरीज का स्मार्टफोन जो है वो रियलमी सबसे पहले लेके आती है वायरलेस चार्जिंग जिसके अंदर सपोर्ट करने वाला। तो अब हम जो अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है शाओमी के स्मार्टफोन के बारे में। तो शाओमी का जो मी 12 आने वाला है अब थंडरटेक की तरफ से जो है ये अपडेट में मिल पाई है, और उसकी फोटो मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ, और कहा जा रहा है ये रियर कैमरा सेटअप आपको जो दिख रहा है वो कहा जा रहा है कि मी 12 का रियर कैमरा सेटअप होने वाला है। अब देखते हैं कि कहाँ तक ये बातें आगे जाके सच निकलती है, क्योंकि ये एक स्मार्टफोन की एक लाइव इमेज आप कह लो कि वो निकल के आई है जिसमें आपको उसका रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, जो है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप 5x जूम हमें इसमें देखने को मिलने वाला है। सो अब देखते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है क्या सही में मी 12 है या फिर और कोई स्मार्टफोन निकल के आता है। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है मोटोरोला S20 प्रो स्मार्टफोन के बारे में। जैसे कि आपको मैंने टेक न्यूज के अंदर बताया है कि 5 अगस्त को जो है ये अनाउंस होने वाला है, लॉन्च होने वाला है, और अब जो है मोटो S20 प्रो की जो है एक रेंडर निकल के आया है वाया इवलिक्स, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हालांकि फ़ोन देखने में अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि जो S20 सीरीज़ होने वाली वो काफ़ी अच्छे होने वाली है, और ये भी 20 प्रो भी जो है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आप देखते हैं कौन सी प्राइस सबसे ज़्यादा मैटर करती है मोटोरोला के मामले में, बाकी सब कुछ उसके अंदर सही होता है, बट प्राइस देखते हैं कि कौन सी प्राइस पे मोटोरोला अपने स्मार्टफोन लेके आते। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है रेडमी K40 गेमिंग एनहेंस एडिशन के अंदर जो है एक नया कलर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है चाइना के अंदर, जिसकी फोटोज़ मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। कहा जा रहा है कि इसे इन्वर्स स्केल स्पेशल जो है वो कलर कहा जाएगा, साथ ही में इसके ये जो कलर है वो 12 GB रैम प्लस 256 GB स्टोरेज के अंदर लॉन्च हुआ है, जिसकी प्राइस रखी गई है 2699 यानी कि इंडिया की हिसाब से अगर आप देखते तो ऑलमोस्ट 31,000 के आसपास जो है इसकी प्राइस होती है। आप मुझे बताइए कि आपको ये कलर देख के कैसा। So, अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है रेडमी के बुक के बारे में, यानी कि रेडमी के फर्स्ट लैपटॉप के बारे में है। जो इंडिया में मैंने आपको टेक्नोस के में बताया था कि बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, और इसे डायरेक्टली कम्पीट किया जाएगा रियलमी बुक के साथ। अब जो है उसका ऑफिशियल डेट अनाउंस हो चुका है, 3 अगस्त को जो है अब ये इंडिया में अनाउंस होने वाला है रेडमी बुक। अब देखते हैं कि कौन से फीचर्स के साथ और कौन सी प्राइस के साथ जो है रेडमी अपना ये पहला लैपटॉप जो है वो लेके आती है। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है नोकिया XR25G स्मार्टफोन के बारे में, जो अनाउंस हो चुका है, जिसके फोटोज और स्पेसिफिकेशन जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसके अंदर हमें 6.67 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले मिल जाता है, 480 स्नैपड्रैगन का SoC आता है, ड्यूअल रियर कैमरा का सेटअप है जो है 48+13 8MP का सेल्फी कैमरा, 4360mAh की बैटरी, 18W का वायर चार्जर मिल जाता है, साथ ही में 15W का वायरलेस चार्जर भी इसमें सपोर्ट करता है, साथ ही में 3 ईयर्स तक जो है आपको OS जो है अपडेट है वो मिलने वाला है, 4 ईयर्स तक जो है सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलने वाला है, जो काफ़ी अच्छी बात है। साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर, IP68 रेटिंग, साथ ही में GG विक्टर्स जो फ्रंट ग्लास है वो हमें देखने को मिलता है, गोरिल्ला ग्लास जो विक्टर्स आता है वो, स्टीरियो स्पीकर्स हमें देखने को मिल जाता है। तो स्पेसिफिकेशन काफ़ी हद तक अच्छे है, बट इसकी जो प्राइस रखी गई है वो है 6 GB रैम प्लस 128 GB की, वो है $550 यानी कि ऑलमोस्ट 41,000 जो इसकी प्राइस होती है। मैंने आपको कहा था कि नोकिया जो है उसकी प्राइस जो है हालांकि कन्वर्ट प्राइस है, बट फिर भी आप अगर सपोज़ मान लीजिए ये स्मार्टफोन जो है वो इंडिया में आता तो कौन सी प्राइस पाएगा, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 30-35,000 के आसपास ये लोग सील करेंगे, और कौन लेगा। सिर्फ बाकी सारे स्पेसिफिकेशन अच्छे हैं, बट SoC की माने 480 तो उसका परफॉर्मेंस कितना निकल गया आएगा।
देखते हैं कि कितना लोगों को अगर पसंद आता है अगर ये इंडिया में लॉन्च होता है तो। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है रियलमी के स्मार्टफोन के बारे में, और एक स्मार्टफोन मॉडल नंबर मैं आपको बता रहा हूँ RMX3381, जो टीना सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर देखा गया है, जिसके फोटोज और स्पेसिफिकेशन जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। कहा जा रहा है इसके अंदर 6.5 का फुल एचडी प्लस TFT LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, 4880mAh की बैटरी, ट्रिपल एयर कैमरा का सेटअप जो है 48+2+2 का, 16 MP का सेल्फी कैमरा, साथ ही साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर, 4, 6 और 8 GB रैम के रैम वेरिएंट हमें देखने को मिलने वाला है, स्टोरेज में 64, 128 और 256 GB के ऑप्शंस हमें देखने को मिलने वाला है। और अब ये स्पेसिफिकेशन की माने तो मुझे नहीं लगता कि ये एक्स सीरीज़ का स्मार्टफोन हो सकता है, हालांकि स्पेकुलेशन ये चल रहा है कि शायद ये रियल में X9 सीरीज़ का स्मार्टफोन हो सकता है, बट देखते हैं ये स्मार्टफोन जो है वो कौन सा निकल के आता है। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है टेक्नो पोवा 2 स्मार्टफोन के बारे में, जिसकी ऑफिशियल डेट जो है अनाउंस हो चुकी है, 2 अगस्त को जो है ये इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है, जिसके अंदर में 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, अमेजोन के थ्रू ये सेल होने वाला है, साथ ही में 48 MP का हमें इसके अंदर AI क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, हीलियो G85 प्रोसेसर के ऊपर ये रन करेगा, 18 W के फास्ट चार्जिंग के साथ ही आने वाला है। साथ ही में आप देखते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो कौन से निकल के आती है, और अब देखते हैं कि G85 एक काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि अच्छा प्रोसेसर है, मिड रेंज भी नहीं कहूँगा, हाँ मिड रेंज टाइप प्रोसेसर हम कह सकते हैं इसे। अब देखते हैं कि कौन सी प्राइस पर जो है टेक्नो अपना इस नया स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च करते हैं। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है ओप्पो की वॉच 2 के बारे में है, जो आज लॉन्च होने वाली चाइना में जो लॉन्च हो चुकी है, जिसके स्पेसिफिकेशन फोटोज जो है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। हालांकि वॉच जो है दिखने में तो जो है पहले जैसे ही लग रही है, 3 वेरिएंट जो है कंपनी ने इसके अंदर लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर 46 mm साइज रखी गई है और दूसरी की जो है 42 mm साइज रखी गई है, 1.91 एमोलेड जो है 3D 60Hz वाला हाई जो है वो डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है 46 mm के साइज़ में, जो ई सिम के साथ आएगा, 4 डेज की बैटरी लाइफ हम देखने को मिल जाती है, साथ ही में 42 mm के अंदर 1.75 इंच का जो है एमोलेड 3D 60Hz वाला डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है, जिसकी बैटरी कहा जा रहा है कि 2.5 डेज तक जो है वो लास्ट कर सकती है। साथ ही में ये जो वॉच है उसके अंदर में 5 ATM तक वाटर रेजिस्टेंट देखने को मिल जाता है, हार्ट रेट, SPO2, स्लीप सेंसर जो होता है वो सारे सेंसर जो है आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, 100+ स्पोर्ट्स मोड भी हमें देखने को इसके अंदर मिल जाता है। बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो जो 46 mm जो साइज़ है ई सिम वाला उसकी प्राइस चाइना में रखी गई है 1999 यानी कि 22,900 इंडिया के हिसाब से, 42 mm ई सिम की जो प्राइस रखी गई है वो है 1,491 यानी कि इंडिया के हिसाब से 17,170 अप्रॉक्स, और जो ब्लूटूथ वेरिएंट है उसकी जो सबसे स्टार्टिंग वेरिएंट है उसकी प्राइस रखी गई है 12,991 यानी कि इंडिया के हिसाब से ऑलमोस्ट 15,000 तक की जो है इसकी प्राइस होती है। आप मुझे बताइए कि आपको ये वॉच देख के कैसा लगा और क्या आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हो गए अगर ये इंडिया में लॉन्च होता है, हालांकि इंडिया में अभी नहीं तो बाद में जो है ये फॉर श्योर आने वाली है। अब देखते हैं कि इंडिया के जब ये आती है तो ओप्पो इसे कौन से प्राइस पे लॉन्च करती है। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है सैमसंग के गैलेक्सी जेड फोल्ड 3 के बारे में है। सो ये जो रेंडर अब नए हमें मिल पाई है वो है 91 मोबाइल्स की तरफ से हमें मिल पाई, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। अब इसके अंदर जो है फ़ोन के साथ एक केस दिखाया गया है, जिसके अंदर में एस पेन का सपोर्ट यानी कि जो उसे रखने की जगह जो है वो मिल जाती है, फ़ोन के अंदर जो हम इसे नहीं सेटल कर पाएंगे, सो इसके लिए आपको अलग से केस ही लेना पड़ेगा। अब इस केस के साथ जो है आप देख लीजिए फोटोज़ की, इस तरह से जो हमें कुछ देखने को मिलने वाला, और ये ऑफिशियल ओरिजिनल केस होगा सैमसंग जो इसके साथ मुझे लगता है कि जो है वो लॉन्च करने वाली है। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप इस केस के साथ जो है ऐसा कोई स्मार्टफोन पॉकेट में लेके मुझे नहीं लगता कि घूम सकते हो। अब देखते हैं कि ये जो कवर होगा उसकी भी प्राइस मुझे लगता है कि तकरीबन 3,500-5,000 के आसपास हो सकती है, तो अब देखते हैं। और ये जो पेन है उसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एस पेन जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है इंडोनेशियन टेलीकॉम वेबसाइट के ऊपर, यानी कि ये भी साथ में अलग से ही लॉन्च होने वाली है, यानी कि देख लीजिए अगर आपको एस पेन का शौक है तो आपको एक कवर भी अलग से परचेस करना पड़ेगा और एस पेन भी जो है अलग से परचेस करने पड़ेगी। अब देखते हैं कि सैमसंग अगर कोई कॉम्बो ऑफर निकलती है तो बात अलग है, बट अब देखते हैं कि कौन कौन सी प्राइस पे जो है सैमसंग अपने ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो 11 अगस्त को लॉन्च करती है। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है ब्लैकबेरी के स्मार्टफोन के बारे में। सो 2021 के अंदर जो है ब्लैकबेरी की तरफ से एक अपडेट आई थी बहुत टाइम पहले कि वो अपना एक नया स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च करने वाली है। अब लेट्स गो डिजिटल के थ्रू जो है हमें ये रेंडर्स मिल पाए, हालांकि ये कॉन्सेप्ट रेंडर है, रियल रेंडर्स नहीं है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जिसमें हमें डिस्प्ले के अंदर ये क्वाटिक कीपैड जो टिपिकल ब्लैकबेरी स्मार्टफोन के अंदर होता है वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि फिजिकल कीबोर्ड ज़्यादा लोगों को पसंद आता है ब्लैकबेरी पर, इसके अंदर जो हमें
क्वाटी कीबोर्ड जो है वो जैसे ब्लैकबेरी स्मार्टफोन के अंदर होता है फिजिकल, वैसे हमें डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल रहा है। सो अब देखते हैं कि अभी तक तो देख आधा साल खत्म हो गया है, अभी तक ब्लैकबेरी की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आई। अब देखते हैं कि आने वाले 6 महीने के अंदर क्या ब्लैकबेरी अपना कोई नया स्मार्टफोन लेके आती है कि नहीं, देखते आगे इसके बारे में हमें क्या अपडेट मिल पाती है। और आपको ये रेंडर देख के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कॉन्ट्रेक्ट में मुझे जरूर बताइए। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है आईफोन 14 के बारे में। सो एप्पल इनसाइडर की तरफ से जो है एक हम कह सकते हैं कि एक अपडेट हमें मिल पाई है और कहा जा रहा है कि आईफोन 14 के अंदर जो है हमें टाइटेनियम अलॉय फ्रेम जो है वो देखने को मिलने वाला है आईफोन 14 प्रो के अंदर, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखते हैं कि सारे आईफोन के अंदर क्यों नहीं है और या फिर आईफोन 14 प्रो के अंदर ही हमें देखने को मिलने वाली है, अब देखते हैं कि आगे इसके बारे में हमें क्या अपडेट मिल पाती है। और अब जो मैं आपको आज के आखिर पर बताने वाला हूँ वो है आईक्यू 8 के बारे में। सो एक पोस्टर सामने निकल के आईक्यू की तरफ से जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, 2 अगस्त को जो है आईक्यू जो है अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है और कहा जा रहा है कि वो आईक्यू 8 सीरीज ही होगा। साथ ही में जो आप स्क्रीन पे पोस्टर देख रहे हैं उसमें जो डिस्प्ले दिख रहा है वो कर्व डिस्प्ले देखने को मिला है, यानी कि हो सकता है कि आईक्यू 8 और आईक्यू 8 प्रो ये 2 स्मार्टफोन हमें आईक्यू की तरफ से लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अब देखते हैं कि 2 अगस्त को यानी कि थोड़ी वक्त बचा है, अब देखते हैं कि आईक्यू अपना ये नया स्मार्टफोन जो है कौन सी एसओसी कौन से और नए फीचर्स के साथ जो है वो लॉन्च करती है, क्योंकि बीच में ये खबरें चल रही थी कि सिर्फ डायरेक्ट अभी आईक्यू 9 आने वाला, आईक्यू 8 नहीं आने वाला और सडनली आईक्यू 8 के बारे में जो कुछ ही दिनों के अंदर जो अपडेट्स आनी शुरू हो गई कि 888 प्लस के साथ आने वाला है। अब देखते हैं कि एक्चुअल में जो है 2 अगस्त को जो आईक्यू की तरफ से क्या अनाउंस और क्या लॉन्च में हमें देखने को मिलता है। सो बस आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम ट्विटर या फेसबुक पे जाइए, टैग एंड सर्च करके वहाँ पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं जितना जानता हूँ उतना को गाइड करने की जरूर कोशिश करूँगा। साथ ही में मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगर अभी भी आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, साथ ही में बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप वीडियो का एंजॉय कर पाओ। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए, बिना काम के बाहर मत निकलिए, मास्क जरूर पहने और हैंड वॉश करते रहिए। थैंक यू।